लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स मैथ्स एक्सरसाइज 3.7। आई होप 3.6 तक आपको सभी समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया यू कैन कॉल मी। नाउ इट्स वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम हम राइट करते हैं बेटा। अभय बोट अभय ने खरीदे कितने 608 एग्स खरीदे और उसमें से 485 सोल्ड सेल कर दिए, बेच दिए उसने, तो कितने बचे। लेफ्ट का मतलब होता है उसके पास कितने बचे, तो हम क्या करेंगे 608 में से इसको माइनस कर देंगे। लेकिन सीधा नहीं माइनस करना, हमें स्टेटमेंट राइट करनी है इसकी। ओके, तो इस फर्स्ट सम को हम इस तरह करेंगे। अब है बोट एग्स 608 सोल्ड 485 लेफ्ट 123 आंसर 123। हाँ जी बच्चे, इसी तरह हम नेक्स्ट सम करेंगे। देयर वर सो मच पैसेंजर इन अ ट्रेन, एक ट्रेन में इतने पैसेंजर थे। आउट ऑफ दोज सो मच गेट आउट डाउन एट अ स्टेशन, कि उसमें से इतने नीचे उतर गए एक स्टेशन आने पर। हाउ मैनी पैसेंजर आर लेफ्ट, उस ट्रेन में अब कितने पैसेंजर बचे हैं। तो इस सम को हम इस तरीके से करेंगे बच्चों। पैसेंजर इन अ ट्रेन 1926, गेट डाउन 1365, लेफ्ट इन दोनों को माइनस कर देंगे। ये आप खुद करेंगे बच्चे, मैंने नहीं किया है क्योंकि अब तो आपको सब्ट्रैक्ट अच्छे से आ चुकी होगी, तो ये आप खुद करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखिए। ए बॉक्स कंटेन वाइट एंड पिंक चॉक्स, इफ द टोटल नंबर ऑफ चॉक इज 1624 एंड 1200 आर वाइट, देन हाउ मैनी ऑफ देम आर पिंक। तो बच्चे इसको कैसे करेंगे हम, कि हम पहले लिखेंगे टोटल चॉक, कि एक बॉक्स में टोटल चॉक्स कितने हैं। 1624 है ना, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे। उसमें से वाइट चॉक्स कितने हैं वो लिख देंगे, एंड देन पिंक चॉक्स कितने हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। इसको भी मैंने सॉल्व नहीं किया, ये आपको खुद करने हैं। ओके, नेक्स्ट सम देखिए बच्चों। मदर बोट सो मच बनानाज, सी डिस्ट्रीब्यूट सो मच बनानाज अमंग नीडेड पर्सन पीपल, कि मम्मा ने कितने बनानाज खरीदे हैं और उन्होंने जो ज़रूरतमंद लोग थे, गरीब लोग थे, उनको बांट दिए। उसके बाद उन्होंने इतने बनानाज और खरीदे, तो उनके पास कितने लेफ्ट हो गए बनाना, उनके पास टोटल कितने बनानाज बच गए। तो हम इसको कैसे करेंगे, कि मदर बॉट बनानाज सो मच, डिस्ट्रीब्यूट सो मच एंड लेफ्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। 302 बनानाज बच गए मम्मा के पास, बट फिर मम्मा ने और बनानाज भी खरीदे, कितने 216 उन्होंने और बनानाज खरीदे, उनको हम लेफ्ट बनानाज में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी बचे हुए हैं मम्मा के पास और ये और भी ले आए हैं, तो टोटल बनानाज कितने हो गए 518। ये हमारा आंसर है। ये सम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। बाकी जो सम छोड़ रखे हैं वो आपको खुद करने बच्चे। नेक्स्ट इज सॉरी बच्चों, मैं एक सम करना भूल गई हूँ। दिस इज सिक्स्थ सम। बाय हाउ मच इज 5240 ग्रेटर देन 3565,
तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने आपको सब्ट्रैक्ट करके नहीं दिया है, वो आप खुद करेंगे। ओके, नेक्स्ट सम देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने आपको कर आप सी दिस सम। सो मच पैसेंजर विजिट अ बुक फेयर, कि एक बुक फेयर, फेयर क्या होता है बच्चों, मेला, एक मेला लगा हुआ है जिसमें इतने पर्सन आए हैं। कितने दिनों में आए? 3 days, 3 दिनों में इतने पर्सन आए। उनमें से ये वाले जो पर्सन है ये आए फर्स्ट डे, ये वाले पैसेंजर जो है ये आए सेकेंड डे। तो ये पूछ रहा है कि हमारे पास थर्ड डे, कि 3 दिन टोटल तो इतने आए हैं, तो थर्ड डे को कितने विजिटर्स आए, कितने पर्सन्स आए। तो फर्स्ट डे पर्सन्स विजिट, ओके, देन सेकंड डे पर्सन्स विजिट सो मच, टोटल पर्सन इन 2 days सो मच। इनको प्लस करना बच्चे, याद रखिएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना यहाँ पे। तो टोटल पर्सन कितने विजिट किए थे वो लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हमने 2 days में जो पर्सन हुए वो, और फिर थर्ड के लिए हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे। स्टूडेंट्स देखिए, फिफ्थ सम हमारा रह गया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4-digit नंबर। 4-digit का मतलब होता है बेटा कि हमारा जो नंबर हो उसमें 4-digit होने चाहिए, 1, 2, 3, 4। और लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या होता है, 9999। एंड स्मॉलेस्ट 1 के बाद जितने डिजिट का नंबर हमें बनाना है उतनी ही 0 लगा दी जाती है। इन दोनों को माइनस करने पर इनका डिफरेंस हमें पता चल जाएगा, ये आप खुद करेंगे। ओके, जो जो सम मैंने छोड़े हैं वो आप खुद करेंगे बच्चे। ओके,